ग्राम प्रधान जी से हमने पूछा, उनके पति छेदालाल साहब से हमने बात किया, और गांव में जो घूम के हमने महसूस किया, उसके आधार पे हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हकीकत हमारे चैनल पे आ जाए। हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। क्या जो गांव में है सेक्रेटरी और ये जो कोटेदार की जो समस्या है या जो लेखपाल की समस्या है, क्या समस्या है गांव के सामने? साहब वो सुनते नहीं। आपका क्या? हम लोग 4 तारीख से जी, पिछली तारीख से, पिछली वृक्षारोपण में जी, आज तक कोई वेतन नहीं दिया। कौन सा 4 तारीख? 4 अगस्त को। कितने दिन वृक्षारोपण किया आपने? अरे हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, वही ड्यूटी कर रहे हैं? और कितने दिन से वेतन नहीं दिया? 2 महीने। 2 महीने का वेतन नहीं दिया, सेक्रेटरी को देना है? अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? जगदीश। आपका क्या कहना है दादा? हमारा यह कहना है कि सेक्रेटरी बहुत खराब है। अच्छा, काम नहीं कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा है। आपका क्या है बता, क्या समस्या है आपकी? भाई हम 28 दिन पहले काम किया। क्या नाम है आपका? हेमराज। पिछले बार 28 तारीख से काम किया। क्या हाथ में आपके क्या है ये? हमारे विकलांग है। विकलांग है, 28 दिन आपने काम किया? पिछली बार तो एक भी पैसा हमको नहीं मिला। नहीं, पिछले प्रधान के कार्यकाल में यही में अभी हम किया है सर। पिछले हमारे पिछले का भी पहले का बाकी। हाँ, पिछले का भी बाकी है। एक बार ने वो दस्तखत नहीं किया तो पैसा हमारा भी नहीं आया। सेक्रेटरी ने दस्तखत नहीं किया? लेखपाल ने नहीं किया। अच्छा, पैसा नहीं आया? पैसा नहीं। हाजिरी लगती थी? हाजिरी लगती थी। अच्छा, उसको भी पैसा नहीं मिला एक बार भी। ये वहाँ जाते हैं तो कहता कि तुम्हारा पैसा आ गया, जब खाते में जाते हैं तो वहाँ पैसे नहीं। ये कैसे चलेगा भाई? कि जो का क्या नाम है? अरविंद चौधरी। अच्छा, कहाँ रहते हैं? कब कब आते हैं गांव में? कभी नहीं साहब आते हैं गांव में, कभी नहीं तो कभी आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी हैं, ये पदी हैसियत पे काम नहीं कर रहे हैं वो अभी? या क्या बता रहे हैं आप लोग? पूर्व प्रधान के यहाँ जाते हैं? पुराने प्रधान के यहाँ? कितने लोग बोल रहे हैं भाई? किस गांव में आते हैं कि नहीं आते? क्या बताइए, गांव बताइए। तेज बोलिए। सेक्रेटरी जो है पूर्व प्रधान गीता वर्मा के यहाँ जाते हैं और वहीं से काम पूरी करके चले जाते हैं। ऐसे भाई, ऐसा है, प्रधान तो भूतपूर्व प्रधान हो गए और सेक्रेटरी महोदय आपको भी भूतपूर्व होना है क्या? मौजूदा प्रधान के साथ सहयोग करिए, गाँव की गरीब जनता का जो काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको करिए। आप जिनका जो लोग काम कर रहे हैं उनका मेहनताना दीजिए, यही अच्छा है। वरना आपको भी भूतपूर्व तो सबको एक दिन होना ही होता है। कोई मर के भूतपूर्व होता है, कोई नौकरी से हटा के भूतपूर्व होता है, कोई सेवानिवृत्त होकर भूतपूर्व होता है। आपको कौन सा चाहिए? भूतपूर्व होना है तो सस्पेंड होकर होना चाहते हैं या ईमानदारी से काम करके जाना चाहते हैं? प्रधान शिव कुमारी अम्बेडकर हैं आप। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव, प्रधान का सचिव। प्रधान के साथ काम करिए, भूतपूर्व के साथ काम करके आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो क्या बता रहे बेटा, बोलो निशंक से, बोलो क्या बता रहे हो? वो जो है वो यहाँ जमीन उमीन सब खरीद रहे हैं, उससे फायदा है ना? बाबूखेड़े में जमीन खरीदे है, सब कुछ वहाँ पे खरीदे, उसके साथ वो काम करता है। ऐसा है कि प्रधान ही नहीं चलाने देंगे निश्चित रूप से। अब ये लड़ाई लंबी है और गांव के लोग तैयार हैं, तो निश्चित रूप से एक बार फिर चलिए आप सब लोग, हमारा भी सहयोग रहेगा, हमारे चैनल के लोग रहेंगे और चैनल के साथी लोग रहेंगे। निश्चित रूप से कोई दिन रखिए, सीडीओ साहब के यहाँ चलेंगे और जैसा अभी बात हो रही है, अगर कोई धरना प्रदर्शन होने जा रहा है तो निश्चित रूप से इस मांग को, इस गाँव सभा की मांग को भी प्रमुखता से रखा जाएगा। धन्यवाद।